कली हनुमान की तरफ जाती है और आपको दिखाते हैं पास हनुमान की तरफ गुफा में कैसे एंट्र होते हैं थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है, मैं हूं अंकित और आपके ग्रह शादी के परमदीप और आज है रामनवमी सॉरी आज है दुर्गा नवमी और दुर्गा नवमी के दिन हम आपको सीपी बाजार की दुर्गा जी दिखाएंगे। अभी जो कि हम भंडारा ग्रहण कर रहे थे माता रानी का यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे जो भी भंडारा ग्रहण कर रहे हैं और अभी हम दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो वीडियो बने रही है एंड तक, वो हमारे संग कृष्टि भी जा रही है, कृष्टि और मैडम जी भी खड़ी हुई है। तो वीडियो बने रही है और वीडियो बने रहने के लिए लाइक वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स ये जो कैली दुर्गा जी बैठी हुई है ये है रावत आर्य समाज चौराहे कहते हैं ये तीसरी बाजार का, और ये हम लोग यहाँ से कच्चे पुल से आए हुए थे, ये कच्चा पुल है और ये टंडन रोड है यहाँ पे, और ये देवी जी बैठी हुई है चौराहे के बीच में थोड़ा साइड में बैठी हुई है, ये बहुत अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं, ये इसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी आ चुके हैं राम मंदिर कहते हैं और इसे कालीबाड़ी भी कहते हैं, और यहाँ पे देखो कुछ मेले वगैरह थोड़ा बहुत मेला लगा हुआ है, झूला भी है यहाँ पे और छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे क्रॉकरीज भी लगी हुई है यहाँ पे और बैलून वगैरह भी बिक रहे हैं। और अभी हम यहाँ पे देवी जी भी का पंडाल भी सजा हुआ है बहुत अच्छा, तो देवी माँ के लिए एक लाइट बनता है वही। तो फ्रेंड्स ये है राम जानकी मंदिर जो कि सीपरी में स्थित है, यही कालीबाड़ी में ही है, और ये है हनुमान जी का मंदिर सीपरी बाजार का, आपको दिखाते हैं। तो देवी जी को देखते हैं प्राचीन सिद्ध गुफा है जो पाताली हनुमान की तरफ जाती है, और आपको दिखाते हैं पाताली हनुमान की तरफ गुफा में कैसे एंट्री होते हैं थोड़ा सा। ये ऐसे एंट्री होते हैं यहाँ पे और ये बहुत ही नीचे की तरफ है